जब क्राइस्ट फेसबुक पर आ गए। एक दिन अचानक क्या हुआ कि क्राइस्ट फेसबुक पर आ गए। उन्होंने सोचा, सब कहते हैं कि दुनिया आपके चाहने वालों से भरी पड़ी है, तो क्यों ना सबसे संपर्क स्थापित कर उनके हालचाल जान लिए जाए। जब टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर ही लिया है कि यहीं बैठे बैठे उनसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। बस क्राइस्ट फेसबुक पर आ गए। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। रातों रात 50 करोड़ के करीब फॉलोअर आ गए। और उधर क्राइस्ट ने अपने पहले संदेश में सबके हालचाल क्या पूछे कि करोड़ों मैसेजेस की भरमार भी हो गई। सबका एक ही सवाल था कि हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, क्रिसमस से लेकर गुड फ्राइडे तक मनाते हैं, परंतु फिर भी ना तो हमारे जीवन से दुख दर्द कम हो रहे हैं और ना ही हमें कोई अपेक्षित सफलता ही मिल रही है। ऊपर से उल्टा रोज रोज क्रोध तथा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता ही जा रहा है। क्राइस्ट तो ये सब मैसेजेस पढ़ते ही चौंक गए। उन्होंने तुरंत सबसे पूछा कि आपको ये सब करने को कह कौन रहा है। क्राइस्ट के इस सवाल पर फिर करोड़ों मैसेजेस आ टपके। सारे मैसेजों का सार एक ही था कि पादरी उन्हें ये सब करने को कह रहे हैं। अब क्राइस्ट से ज्यादा समझदार कौन। वे पूरा खेल समझ गए। उन्होंने तुरंत तीसरा मैसेज पोस्ट करते हुए सबसे सीधा सवाल पूछा, भला मैंने अपने जीवन में कब किससे चर्च बनाने, चर्च जाने, मुझे पूजने, गुड फ्राइडे या क्रिसमस मनाने को कहा था? मेरा पूरा जीवन पढ़ लो, मैंने ये सब कहा ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। इन्हीं सब प्रकार की बातों के खिलाफ तो मेरा संघर्ष था। लेकिन शायद तुम लोगों को फिर ट्रैप में ले लिया गया है। सिनागोग गए और चर्च आ गए, कोहेन गए और पादरी आ गए, तथा ज्यूइश गए और क्रिश्चियन आ गए। अब बाकी सब तो समझा, परंतु ये क्रिश्चियन कहां से आ गए? जब मैंने सबको चाहा था, जब मैंने कहा भी था कि जो चाहे सो आवे, तो फिर तुम लोगों ने मेरे चाहने वालों की अलग से पहचान कैसे बना ली? भला ये कैसे हो सकता है कि मेरे जैसा प्रेमी व्यक्ति सिर्फ क्रिश्चियनों को चाहे या उनका भला करे? मेरा इससे बड़ा अपमान ही नहीं हो सकता। यही तो पादरियों की चाल है कि तुम्हें विभाजित करें और अपनी दुकानें चलाते रहें। बात तो सबकी समझ में आ गई, पर अब छुटकारा कैसे? सो सबने क्राइस्ट से ही निवेदन किया कि आप एक बार फिर धरती पर पधारें और जैसे पहले सबको ज्यूइश, सिनागोग वो कोहेन से छुड़वाया था, अब की आकर हमको चर्च, पादरी व क्रिश्चियनिटी से छुड़वा दो, ताकि हम सब इंसान बन सकें। लोगों की ऐसी दरख्वास्त सुनते ही क्राइस्ट काफी दुखी हुए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि क्या मुझे यही एक काम रह गया है कि तुम लोग बार बार ट्रैप में फंसते रहो और मैं तुम्हें छुड़वाने आता रहूं? मैंने सत्य फिर से समझा दिया है। तुम लोग वैज्ञानिक युग में जी ही रहे हो, बस खुद ही निकल जाओ इस ट्रैप से। इस पर सबने अंतिम निवेदन किया कि चलो इस ट्रैप से तो हम निकल ही जाएंगे, परंतु आगे क्या? हमें सुख और सफलता कैसे मिलेगी? इसका कोई सीधा मार्ग बताएं। इसके उत्तर में क्राइस्ट ने फिर एक लंबी चौड़ी पोस्ट चढ़ा दी। उन्होंने उसमें खुलासा करते हुए कहा कि सुख और सफलता पाने का सूत्र मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं, लेकिन लगता है कि चर्च और पादरियों के चक्कर में तुम लोगों ने मेरे उस सूत्र को नजरअंदाज कर दिया है। फिर याद करो, फिर मेरी कहीं बातें पढ़ो, आपको याद आ जाएगा। मैं हमेशा कहता था कि जो आप बांटेंगे वही हजार गुना होकर आपके पास फिर लौट आएगा। मैंने कहा ही था कि जो बांटेगा वो भर दिया जाएगा और जो बचाने की कोशिश करेगा उससे छीन लिया जाएगा। बस यही सब तो सफलता के सार सूत्र हैं। ये तुम लोगों के लिए या क्रिश्चियनों के लिए या फिर मेरे चाहने वालों के लिए सफलता के सूत्र हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक यही सफलता के सूत्र रहने वाले हैं। इसमें न मेरी जरूरत है, न चर्च और पादरियों की, और ना ही क्रिश्चियनिटी की। लेकिन तुम थोड़ा अपने जीवन पे गौर कर लो। तुम लोग इससे उल्टा करते हो। पाना प्रेम चाहते हो, बांटते नफरत हो। अब नियम तो तुम्हारी चाह से बदलने वाला नहीं, सो नफरत बांटते हो इसलिए हजार गुनी होकर
दूसरों की नफरत तुम पर लौट आती है। चाहते सुख हो और बांटते दूसरों को दुख हो। चाहते सफलता हो परंतु दूसरों की सफलता के मार्ग में रोड़ा अटकाते हो। चाहते हो सब तुम पर विश्वास करें पर तुम किसी पर विश्वास नहीं करते। और ऐसा एक दो नहीं, तुम्हारे तमाम मामलों में ऐसा ही है। थोड़ा मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देख लो। बुद्ध ने ज्ञान बांटा, उन्हें प्रकृति से कई गुना ज्ञान मिला। कृष्ण ने प्रेम बांटा, बदले में उन्हें हजारों गोपियों का प्रेम मिला। सो ये तय जानो कि जो बांटोगे वही पाओगे। सो पहले जीवन में ये तय कर लो कि तुम क्या क्या पाना चाहते हो, बस वो सब बांटना शुरू कर दो। और जो नहीं चाहते हो वो बिल्कुल मत बांटो। इतना सीधा तो गणित है। सो यदि आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो तय जान लो कि आप चाह कुछ और रहे हैं तथा बांट कुछ और रहे हैं। और अब मैं अपना ये फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहा हूं। मैंने तुम लोगों का हाल भी देख लिया और उस हाल का कारण भी जान लिया और उसका उपाय भी बता दिया। आगे आप जाने वह आपका निर्णय, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन पुरता हर समय स्वतंत्र था, है और रहेगा। ऐसी ही जीवन परिवर्तित कर देने वाली अनमोल फिलोसॉफिकल कहानियाँ व दीप त्रिवेदी द्वारा दिए गए उनके सटीक सार के लिए पढ़िए सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ 101 सदाबहार कहानियाँ। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।